नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाव फिजियोथेरेपी चैनल को। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है और यूरिक एसिड से कैसे बचा जा सकता है और यूरिक एसिड से होने वाली बीमारियों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में किसी भी तत्व की सामान्य मात्रा शरीर के लिए स्वस्थ और हेल्थी होती है, और अगर किसी भी नॉर्मल मात्रा का कम या ज़्यादा होना शरीर पर प्रभावकारी होने लगता है। यानी कि अगर किसी भी तत्व की मात्रा हमारी बॉडी यानी कि शरीर में ज़्यादा है या कम है तो शरीर पर वो जाहिर सी बात है कि अपना असर दिखाएगी। तो ये ऐसे ही एक यूरिक एसिड हमारे शरीर में होता है जो कि कुछ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना तत्व होता है। इसकी मात्रा अधिक होने से या कम होने से शरीर में कुछ नुकसान और बीमारियां होती हैं, इसके विषय में आज मैं बात करूंगा। यूरिक एसिड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तत्वों से मिलकर व प्रोटीन से अमीनो एसिड के रूप में बना होता है। तो प्रोटीन की मात्रा बच्चों में व गर्भवती महिलाओं में अधिक होती है और ये लाभकारी होती है। यूरिक एसिड की नॉर्मल मात्रा पुरुषों व स्त्रियों में अलग अलग होती है, जैसे कि पुरुषों में 3.5 से लेकर 7.2 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच होती है व स्त्रियों में 2.5 से लेकर 6 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच होती है। यूरिक एसिड बड़ा होने का कारण कुछ दवाइयाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि यूरिन की मेडिसिन यानी कि पेशाब की दवाइयाँ या फिर डायबिटीज़ यानी शुगर की दवाइयाँ, और यह बीमारी जेनेटिक यानी कि वंशानुगत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड बड़ा होने के मुख्य मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। तो हम कुछ कारण बताते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बोन मैरो यानी कि हड्डी की बीमारी, गोइट यानी कि गठिया, और एक्यूट किडनी फेलियर, स्टोन, मल्टी माइलोमा, हाइपोपैराथायराइडिज्म, प्यूरिन की ज़्यादा मात्रा वाला भोजन करना, कीमोथेरेपी। मल्टी माइलोमा जैसी बीमारियां यूरिक एसिड बड़ा होने का कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड का स्तर शरीर में कम कैसे होता है, यानी यूरिक एसिड का कम होना। यूरिक एसिड का कम होने का कारण बहुत से हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको अभी इस प्रकार बताता हूँ। जैसे कि अल्कोहल करना यानी कि कोई नशा करना, मदरा या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना, या लीवर किडनी की बीमारी, ब्रोंकाई सिंड्रोम यानी कि एक किडनी की बीमारी होती है, और या फिर प्यूरिन की कम मात्रा वाला भोजन करना आदि, ये सब कारण यूरिक एसिड के स्तर के लेवल को कम करने के हो सकते हैं। अब हम यूरिक एसिड के साइन एंड सिम्टम्स लक्षणों की बात करते हैं, किसको पहचाना कैसे जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का कारण रहता है, गोइट, और फिर पैरों यानी कि एंकलों में सूजन रहेगी और जॉइंटों में दर्द होगा, और बोन मैरो पर यानी कि नुकीले नुकीले क्रिस्टल से इकट्ठे हो जाएंगे, और मतलब कैल्शियम के नुकीले नुकीले क्रिस्टल इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर रेडनेस और एंकल या जॉइंट में स्वेलिंग व चलने में दिक्कत होगी। और फिर इसकी डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छी जांच एक्सरे भी है। इसको अगर यूरिक एसिड की जांच करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे को बोलते हैं, उसके बाद डायग्नोस करते हैं कि यूरिक एसिड लेवल कितना बड़ा है, और फिर यूरिक एसिड की जांच कराते हैं। दोस्तों, मैंने यूरिक एसिड से संबंधित आपको अधिक से अधिक जानकारी दी, और ये वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे और उसका सजेशन करेंगे कि क्या करना चाहिए और अगली वीडियो हमको कैसी लेके आनी चाहिए। तो हम आपके आभारी हैं, आप अगली वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट जरूर करें और हमें सजेस्ट करें कि हम अगली वीडियो कैसी लेके आएँ। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हम ऐसी नई नई वीडियो बना कर लेके आते रहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।